Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your maths teacher, and today I am going to teach you maths of class 5th. And today we continue chapter 8, fractional numbers. And today we do exercise 8.8. So now see in the book. This is your maths book, maths of class 5th. Now open. Exercise 8.8. Now see here, this is the exercise 8.8 and page number 68. Now see A part. Divide. क्योंकि यहाँ पे ये fraction है, इसे हमें divide करना है. तो दो किस तरह से करेंगे? It's very simple. Now see in the notebook. Now see here. 1 ए का फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर. ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, 7 होल 2 अपॉन 3 डिवाइड 46 इक्वल. इसी के आगे हमें इक्वल लगाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे. देखो 3 और 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 21, और फिर 2 को प्लस कर देंगे तो 23 अपॉन 3. तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 23 अपॉन 3. अब बच्चों फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं डिवाइड करने के लिए, डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे. यहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई. लेकिन अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, बहुत केयरफुली सुनिए. डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड के बाद जो भी नंबर होता है, जो भी होल नंबर है या फ्रैक्शन है, वो रेसिप्रोकल हो जाता है. अब जैसे 46 के नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो हम वो 1 मान लेते हैं. तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और 46 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन 46. अगर आपने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल नहीं किया, यानी कि उल्टा नहीं किया, यानी कि ऊपर का नंबर नीचे लिख देंगे और नीचे का नंबर जो है वो ऊपर, अगर नंबर नहीं है तो ऊपर फिर 1 लिखते हैं हम, ठीक है? तो ये तब हमारा आंसर सही होगा. अब देखिए 23 से हम डिवाइड करेंगे 46 को, तो 2 टाइम्स आएगा, तो इसको कट करके 2 लिखेंगे. तो ऊपर क्या बचा, 1, और नीचे बचा 3 और 2, तो 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 6. दिस इज द आंसर. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. 18 डिवाइड 3 होल 3 अपॉन 5. इसी के सामने आप इक्को लगाएंगे. अब ये तो हमारा होल नंबर, ऐसे हमें कुछ भी नहीं करना है, 18 का 18. अब यहाँ जब ये मिक्स है तो इसे हमें क्या करेंगे, इम्प्रॉपर में. तो पहले हम डिवाइड का डिवाइड ही लिखेंगे, अभी हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको रेसिप्रोकल डायरेक्ट नहीं कर सकते. पहले हम इसको इम्प्रॉपर में करेंगे. अब इसको इम्प्रॉपर में करेंगे तो 18 अपॉन 5. अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 18 को तो 18 ही लिखना है. और जो डिवाइड से पहले जो भी नंबर होता है ना, उसे हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो हमें सेम ही लिखना है, उसे रेसिप्रोकल कभी मत करना, ठीक है? वो हमारा सेम ही रहेगा. अब डिवाइड को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में. अब जैसे ही हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि उल्टे हो जाएंगे. 5 ऊपर चला जाएगा और 18 नीचे आ जाएगा, तो 5 अपॉन 18. 18 से 18 कट जाएगा तो क्या बचा, 5. तो 5 इज आंसर. इसी तरह से थर्ड, 40 डिवाइड 8 अपॉन 11. अब देखो ये हमारा फ्रैक्शन है, मिक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं. तो 40 का 40 ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई. अब इसे हम उल्टा कर देंगे, 11 ऊपर और 8 नीचे, तो 11 अपॉन 8. 8 से हम 40 को डिवाइड कर देंगे तो कट कर देंगे, 5 आ जाएगा, क्योंकि 8 5 40 होता है, तो कट करके 5. अब 5 और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 55. दिस इज द आंसर. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4. 18 डिवाइड 108 अपॉन 15. ये भी हमारा इम्प्रॉपर है, तो 18 का 18 ही लिखेंगे, डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई. अब मल्टीप्लाई हो गया तो इसे भी हम चेंज कर देंगे, तो 15 ऊपर और 108 नीचे, तो 15 अपॉन 108. अब हम 18 से डिवाइड करेंगे 108 को, तो 6 टाइम्स जाएगा, 18 6 108 होता है, तो 15 अपॉन 6. तो हम यहाँ लिख देंगे 15 अपॉन 6.
लेकिन बच्चों 15 और 6 ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, है ना। 3 के टेबल में 6 भी आता है और 15 भी, तो हम 3 से इन दोनों को फिर से डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि 3 का टेबल, इसके लिए हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, तो इसको कट करके 2 लिखेंगे, और 3 5 जा 15 होता है तो इसे कट करके 5 लिखेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से देखिए बी पार्ट। तो बच्चों इसमें और भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9 ये बिल्कुल इसी तरह से हैं, इनको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आप अपने आप कर सकते हैं। सो यू डू योर सेल्फ, ओके, इट्स योर होमवर्क। नाउ सी बी पार्ट। इसमें भी हमें डिवाइड करना है, बस यहाँ पे क्या है हमारे, ये दोनों ही फ्रैक्शन है, और किसी में दोनों मिक्स में है, किसी में इम्प्रॉपर है। तो देखो बिल्कुल सेम जिस तरह से हमने अभी ए पार्ट में किया, बिल्कुल सेम हमें इसी तरह से बी पार्ट में करना है। सो नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन। बी का फर्स्ट, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, डिवाइड ये भी हमारा मिक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो 72/14, फिर ये डिवाइड, इसे भी हमने चेंज कर लिया तो 65/28। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो इसे तो हमें कुछ भी चेंज नहीं करना, ये हम सेम लिखेंगे। अब डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला जो फ्रैक्शन डिवाइड के आगे का, इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे, 28 ऊपर और 65 नीचे, ये होता है रेसिप्रोकल। तो 28/65, अब 14 से देखो 28 कट जाएगा, 14 के टेबल में 28 आता है, 14 टू जा 28, तो इसको कट करके 2 लिख देंगे, तो 72 टू जा 144 और ये नीचे 65। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 65 से डिवाइड कर देंगे हम 144 को, तो 2 टाइम्स आएगा और 14 हमारा रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 14/65। तो दिस इज द आंसर। नाउ सी सेकेंड क्वेश्चन। ये हमारा मिक्स में है, 6/2/3 डिवाइडेड बाय 25/27। पहले हम इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, तो 20/3, फिर डिवाइड को हम जगह हम मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, 27 ऊपर 25 नीचे, तो 27/25। 3 से हम 27 को कट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9। इसी तरह से 25 और 20, ये 5 के टेबल में आते हैं दोनों ही नंबर, तो 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 20 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 5। अब 4 9 जा 36 और नीचे 5, क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, कट गया ये 5 बचा 5। अब 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, इसके 1/5, तो 7 होल 1/5, दिस इज द आंसर। नाउ सी थर्ड, 7/15 डिवाइडेड बाय 21/35। पहले हम 7/15 लिखेंगे, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अब इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 35 ऊपर और 21 नीचे, तो 35/21। 7 से हम 21 को डिवाइड कर देंगे 3, और 15 और 35 ये हमारा 5 के टेबल में आते हैं दोनों ही, तो 5 के टेबल से दोनों को डिवाइड कर देंगे, ये 3 हो जाएगा यहाँ और यहाँ 7, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो ऊपर बचा 7 और नीचे 3 3 जा 9, तो 7/9, दिस इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, 1 होल 2/3 डिवाइड 3 होल 3/5, दोनों को ही हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, तो इसको चेंज करेंगे 5/3 डिवाइड 18/5। अब 5/3 सेम रहेगा, इसकी जगह मल्टीप्लाई और फिर हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 5 ऊपर और 18 नीचे, तो 5/18। अब देखो इसमें किसी भी टेबल में कोई नंबर नहीं होता, 3 की टेबल में कोई नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 5 5 जा 25 और 3 18 जा 54। सो दिस इज द आवर आंसर, 25/54। नाउ सी सी पार्ट। दिस इज द सी पार्ट, राइट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ये देखिए फ्रैक्शन लिखे हुए हैं, कुछ होल नंबर हैं, कुछ फ्रैक्शन हैं, कुछ मिक्स फ्रैक्शन हैं,
तो हमें इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो बहुत ही सिंपल है, इट्स वेरी इजी। देखिए सी पार्ट किस तरह से हमें बस इसको रेसिप्रोकल मीन्स इनको नंबरों को पलटना है, ऊपर का नंबर नीचे लिखना है और नीचे का नंबर ऊपर लिखना है, बस इनकी जगह चेंज करनी है, हो गया रेसिप्रोकल, है ना। जैसे ऊपर का नंबर है वो हमने नीचे भेज दिया और नीचे के नंबर को हमने ऊपर भेज दिया, ये हो गया रेसिप्रोकल। तो देखो किस तरह से करेंगे, सी सी पार्ट। फर्स्ट में देखो सेवन लिखा हुआ है, तो पहले हम लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ सेवन इक्वल। अब सेवन के नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं होता, तो वो हम वन मानते हैं। ओके, तो वन ऊपर लिखेंगे और सेवन को नीचे लिख देंगे, क्योंकि सेवन ऊपर होता है तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये नीचे आ गया तो ऊपर भी तो कुछ लिखना है हमें, तो इसलिए ऊपर वन। इसी तरह से देखो फोर अपॉन नाइन है ये सेकंड में, तो रेसिप्रोकल ऑफ फोर अपॉन नाइन इक्वल। अब इनकी जगह चेंज कर दो, नाइन को हम ऊपर लिख देंगे और ये जो फोर है वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह से 15 अपॉन 17 है, रेसिप्रोकल ऑफ 15 अपॉन 17 इक्वल। अब ये 17 ऊपर लिखेंगे, देखो ऊपर आ गया, और 15 को नीचे, तो ये नीचे आ गया, तो 17 अपॉन 15। इसी तरह से देखिए 4, ये 4 होल 9 अपॉन 11। अब बच्चों ये मिक्स में है तो हम इसको डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तो देखो 11 फोर से कितना होता है 44, अब 9 को प्लस कर देंगे तो 53, तो यहाँ आ जाएगा ऊपर 53 अपॉन 11। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 53 अपॉन 11। अब देखो 53 तो नीचे आ जाएगा और 11 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, जगह चेंज हो गई, तो 11 अपॉन 53। तो ये क्या है, रेसिप्रोकल। तो इसी तरह से बाकी के जो फ्रैक्शंस हैं आपको उनके रेसिप्रोकल करने हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जहाँ पे भी आपका इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन है, पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, उसके बाद हम रेसिप्रोकल में लिखेंगे। ओके, सो योर एक्सरसाइज 8.8 इज कंप्लीटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।